मेरा नाम गजेंद्र दीक्षित, मैं पलवल से हूँ। मैं ये मेरी बेटी हर्षिता, कुछ टाइम पहले इसको काफ़ी बुखार आया, उल्टियाँ हुई, दो चार दिनों घर में देखा, आराम कराया, फिर आराम नहीं मिला, फिर हम मरिंगो एशिया हॉस्पिटल में डॉक्टर बालकिशन गुप्ता सर के पास आए। 1 ईयर एंड 5 मंथ की जो बेबी, ये हमारे पास भी आए पलवल से। इसको 3-4 दिन से फीवर, वॉमिटिंग और पेट में दर्द था। जल्दी छोटे बच्चे अपनी प्रॉब्लम तो बताते नहीं हैं, तो ये मैसेज भी है कि कई बार छोटे बच्चों में भी अपेंडिक्स की प्रॉब्लम होती है। ये डायग्नोस भी नहीं हुआ था हमारे यहाँ पे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, सीटी स्कैन में ये डायग्नोस हुआ। और पीडियाट्रिशियन हमारे डॉक्टर लोकेश महाजन और डॉक्टर दत्ता इसको मैनेज कर रहे थे, तो इसमें डायग्नोस हुआ कि इसका अपेंडिक्स फट गया है और पेट में पस फूल गया। तो डॉक्टर बालकिशन ने हमें भरोसा दिलाया कि मेरे पे भरोसा रखो। फिर हम डॉक्टर बालकिशन की बातों से सेटिस्फाई होकर उन पर भरोसा किया। फिर उन्होंने अच्छे ऑपरेशन करके हमारी बेटी को बहुत अच्छा कर दिया और ये पहले से ज़्यादा काफ़ी अच्छी हो गई। ऐसे केस में जल्दी सभी सेंटर्स में नॉर्थ इंडिया में पूरा पेट खोल के ऑपरेशन किया जाता है और उसमें कई बार बच्ची का लैटरिन का रास्ता भी पेट पे बनाया जाता है। और ये गांव में और सब जगह सोशल स्टिग्मा है कि एक बार पेट खुल के ऑपरेशन हो, निशान परमानेंट आता है, कॉस्मेटिकली भी अच्छा नहीं होता और इलियोस्टमी बच्चों में मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो वी टुक दिस चैलेंज और इस बच्ची को हमने हमारे, क्योंकि एनेस्थेटिक्स यहाँ पे, पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया भी यहाँ पे दिया जाता है, तो उन्होंने भी इस चैलेंज को लिया। छोटे बच्चे को एनेस्थीसिया देना भी चैलेंज होता है। हमने इसको लेप्रोस्कोप से ऑपरेशन किया और बच्चे ने बहुत तेज़ी से रिकवरी करी और आज वो विद इन 4 डेज उसको डिस्चार्ज कर दिया और आज वो 15 दिन के फॉलोअप पे आया तो सी इज़ ऑल राइट। लेप्रोस्कोपी में चैलेंज रहता है कि पेट में जगह कम होती है, इनमें प्रेशर भी कम रखना होता है और स्पेस नहीं होता है, इंस्ट्रूमेंट स्पेशल चाहिए होते हैं, बहुत ही मेडिकल एक्सपर्टीज चाहिए, क्लिनिकल एक्सपर्टीज चाहिए। तो रेगुलरली इन मरिंगो एशिया हॉस्पिटल वी आर डूइंग पीडियाट्रिक लेप्रोस्कोपी। जनरली अब दो, ये तो बच्ची 1 ईयर 5 मंथ की थी और जनरली हम 2 साल से ऊपर बच्चों की हम यहाँ पे सफलतापूर्वक हर्निया, लेप्रोस्कोपी के लिए अपेंडिक्स, लेप्रोटोमिया सब लैब से कर, और साथ में इसके लिए पिकू, निकू और ट्रेंड पीडियाट्रिशियंस भी चाहिए, तो वो सारी अंडर वन रूफ फैसिलिटीज अवेलेबल इन मरिंगो एशिया हॉस्पिटल। अब हर्षिता काफ़ी अच्छे से खा पी भी दी है, बहुत आराम है इसको बॉडी में और मरिंगो एशिया हॉस्पिटल का स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है, सारे कोऑपरेटिव हैं, सब कोऑपरेट करते हैं अच्छे से और बहुत अच्छा लगा मरिंगो एशिया हॉस्पिटल।